स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्विल ईआरपी में मल्टीपल पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं। कई बार ऐसा होता है कस्टमर एक बार में मल्टीपल पेमेंट एंट्री करना चाहता है। स्विल ईआरपी के परचेस सेक्शन में जाकर कस्टमर की ओर से एक ही विंडो में पेमेंट एंट्री मल्टीपल क्रिएट की जा सकती है। ऐसा करने के लिए बायर्स या कस्टमर कैश, चेक, कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्विल ईआरपी के डैशबोर्ड पर जाकर परचेस मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक ड्रॉपडाउन लिस्ट शो होगी, यहाँ पेमेंट एंट्री मल्टीपल सिलेक्ट करना होगा। इसी के बाद पेमेंट एंट्री की विंडो ओपन होने पर हम यहाँ रेफरेंस नंबर एंटर कर सकते हैं, साथ ही रीजन एंटर करना मैंडेटरी है। इसके बाद हम वेंडर का नेम मेंशन करेंगे, ऐसे में सारे अकाउंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसके बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं जिसमें कैश, चेक, कार्ड के ऑप्शंस अवेलेबल है। कस्टमर्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एडजस्ट करने के लिए कोई इनवॉइस है तो उसे एडजस्टमेंट कॉलम से एडजस्ट किया जा सकता है। वही एंट्रीज को सेव और प्रिंट करने के लिए विंडो के टॉप लेफ्ट साइड पर सेव और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके साथ एंट्रीज कैटेगरी वाइज व्यू करने के लिए हम व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसे में सभी एंट्री वाइज करंट ईयर या लास्ट 7 डेज के मुताबिक एंट्री व्यू कर सकते हैं। तो ये था क्रिएट पेमेंट एंट्री मल्टीपल इन स्विल ईआरपी से जुड़ा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।